वेलकम टू फ्रेशर्स इंटो 2024। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, आपका नाम? राधिका। और आपका नाम? रितिका। अंकित। जतिन। आशुतोष। अमोघ। सत्यम। अनमोल अग्रवाल। आप कहाँ से? ऋषिकेश। आप? रोहतक, हरियाणा। हरियाणा से? मैं नैनीताल। मैं बाराबंकी लखनऊ के पास हूँ। मैं आगरा यूपी से। मुजफ्फरनगर यूपी। कहाँ से? झारखंड। खन्ना पंजाब। मेरा नाम सिद्धि है। सिद्धि है, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम गोरखपुर। गोरखपुर। आप? राशि, फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ। आप? आई वी सिंह, फ्रॉम देहरादून। आप? कशिश, फ्रॉम बिहार। बिहार, ओके। मेरा नाम कार्तिक है और मैं यूपी बिजनौर से आया हूँ। मेरा नाम आयुष है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। लक्ष्य। कहाँ से? फरीदाबाद से। और आप? मेरा नाम आयुष गुप्ता है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड। कुछ इमेजिन करके आए होंगे कि इस कॉलेज में इतना प्लेसमेंट मिल सकता है मुझे? हाँ नहीं, प्लेसमेंट का ऐसा सोचा नहीं है। ये इंजीनियरिंग इज लाइक अ बैकअप। आई हैव टू डू, आई वांट टू डू यूपीएससी। सो यूपीएससी, नाइस। आप? प्लेसमेंट है, लाइक डिसेंट प्लेसमेंट लग जाए, 12-14 लाख का। इसके बाद तो प्लान यूपीएससी है। और आप? I haven't thought of placement and package, but I have thought of becoming a software engineer. Also, यहाँ आए तो of course अच्छे package के लिए आए, तो of course 30 lakh plus. 30 lakh plus. हाँ. आप लोग कितना aim कर रहे होंगे? 30 plus या? 30 plus. Placement तो देखो, दिखाने को तो कोई भी कुछ भी दिखा। Expectation तो करोड़ों में है, expectation की क्या बात करें? 2.5 करोड़। मतलब मीडियम पैकेज 12 लाख तक तो हो, इतना तो एटलीस्ट अबव 20 आई गेस। और 20 आपकी? एटलीस्ट इतने की 1-1.5 साल में आरओआई तो मिल जाए जो हमने फीस भरा है। 15। अच्छा 15, चलो। और आपकी? 40 तो मिल जाए, इंटर्न लग जाए बस। अच्छा, इंटर्न लग जाए ठीक है। हिसाब से 15 से 20। 15 से 20 पता नहीं अपने हो गया। अपने को सिर्फ पानी निकालना। अबव 15 तो एक्सपेक्ट करते हैं। अबव 20। प्लेसमेंट का कितना क्राइटेरिया आपका कि इतना तो लगना ही चाहिए? मेरा इतना तो खा ही दूंगा मैं। बस ठीक ठाक 20-30 तो लग जाए। ठीक ठाक 20-30। आपका? मेरा भी ऐसे 20-30 तो लगे। आपका यही आज जिससे भी मैंने पूछा लड़कियों का माहौल? अरे माहौल तो कल्चर कैसा लगा आपको? कल्चर, हाँ कल्चर वाइज सब बढ़िया है। कॉलेज में हरियाली है। कॉलेज में हरियाली है तो आपको कोई हरियाली में से पेड़ पसंद आया? हाँ पसंद आया सर, वो पेड़ पसंद आया था आपको? भाई मेरे तो कैंपस ही पसंद आ गए। हमने वो मैं कुछ बता नहीं सकता। नहीं नहीं अभी ऐसा इतना इंटरेक्शन भी नहीं हुआ अभी। हाँ अभी कोई इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। नहीं अभी शुरुआत में तो स्टडीज पे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बनाएंगे थोड़े। डाइवर्सिटी है यहाँ बहुत ज़्यादा। आप ये नहीं कर सकते कि किसी को जज नहीं कर सकते। जज नहीं कर सकते। या तो वो एकदम बवाल हो। हाँ। या तो इतना भोली हो कि कुछ बोलेगी ना। ये तो है, ये तो है, इतनी डाइवर्सिटी तो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हरियाली ऐसे भी है वैसे भी। वैसे भी है। कैसी हरियाली आपको ज्यादा अच्छी लगती है, ये वाली या फिर वो वाली? नहीं ये वाली, नेचर वाली। नेचर वाली आपको? मेरे को भाई नेचर। नेचर। और आप लोगों का गर्ल्स बॉयज बॉयज रेशियो कैसे लग रहा है यहाँ पर? मेरे ग्रुप का तो ठीक है, 50-50 है। 50-50 तो नहीं है, बट मेरा तो सही है, 70-30 है। अच्छा अच्छा। जो ग्रुप है उसमें 70-30 है। तो बॉयज रेशियो इज वेरी नाइस, इट्स वेरी डिसेंट। लाइक इन आवर बैच देयर आर ओनली आउट ऑफ 30 देयर आर 18 बॉयज एंड ऑल अदर ऑल गर्ल्स। डीसेंट था, काफी अच्छा रेशियो है। लाइक हमें लड़के ज्यादा दिख रहे हैं। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। होता नहीं, जेपी में बहुत ज्यादा अच्छा रेशियो। आपका? इट्स प्रीटी गुड। प्रीटी गुड, हां सही है। चलो अच्छी बात है। और आईआईटी ना मिलने के कुछ दुख तो नहीं है? तैयारी की थी। हां की थी। आप क्या कर सकते हैं? मुझे तो दुख नहीं है क्योंकि आईआईटी की तैयारी मैंने की। जलवा है हमारा। नहीं थोड़ा दुख तो है पर अब तो आगे बढ़ना है भाई, यही है। हाँ, सोच के चलो। अब रिग्रेट तो नहीं रखना है, जो भी करेंगे बेस्ट यहीं पे करेंगे। जेआईटी आपको कैसा कॉलेज लगा पहले दिन, पहला इंप्रेशन? नहीं पहला इंप्रेशन तो ये है, कॉलेज अच्छा है, लेकिन हाँ बस ये है थोड़ा सा इसका जो कैंपस है वो थोड़ा सा छोटा है बाकी कॉलेज से अगर रिलेटेड करें तो। तो आप लोगों यहाँ पर अभी फर्स्ट ईयर हो, कॉलेज देख के कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है कॉलेज का? माहौल अच्छा है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। Yeah, but it's quite humid as compared to Dehradun, my hometown. हाँ ये तो है। और माहौल तो अच्छा है लेकिन academic pressure अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला सा लग रहा है अभी एक दो। मेरे को तो अच्छा लगा campus wise, बाकी sports वगैरह भी हैं यहाँ पे तो अभी तो देखते हैं football में participate कर सोचा। और senior से कोई interaction हुआ मेरे अलावा? नहीं वैसे नहीं हुआ। हाँ वैसे मेरा तो कृष्णा भैया से हुआ और जो क्रिसेंडो बैंड वाले थे उनके साथ हुआ। तो आपको कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज बढ़िया है, मतलब हम तो एक्चुअली 128 से है तो हमें ज़्यादा यहाँ पे इतना हमारा वो इंटरेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जितना अभी हुए वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव फीडबैक है काफ़ी हमारा। आपका? यहाँ तो सब बढ़िया ही है, सीनियर्स वगैरह से ऑनलाइन बात हो रहा था मेरा बहुत दिन से तो बढ़िया फीडबैक मिल रहा था। और तो हम 128 वाले हैं तो
अभी तो वहाँ जा रहे हैं, आज हम जल्दी आ गए थे वहाँ से। ब्रांच कौन सी है? CSE ही है ब्रांच मेरी भी। बाकी कॉलेज में देखे तो बताते हैं कि सीनियर्स मतलब परेशान करते हैं, मतलब रैगिंग वगैरह करते हैं, नहीं लेकिन यहाँ पे तो सब बढ़िया बात करते हैं। सीनियर्स अच्छे हैं यहाँ पे यार, अच्छा कॉलेज है वैसे। और सीनियर्स रैगिंग वैगिंग लेते हैं क्या? अभी तो सीनियर्स आज आए हैं, अभी देखिए क्या क्या होता है। चलो अच्छी बात है। आप किससे हैं? जेई में बोर्ड से? 10+2 से। जेई से? अच्छा, तो फिर कॉलेज कैसे लग रहा है आपको? अभी तक तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। सीनियर्स कैसे लगे, कॉलेज कैसा लगा? सीनियर्स इंट्रोडक्शन हुआ? पहली बार आप ही मिल रहे हो? पहली बार मैं ही मिल रहा हूँ। और रैगिंग यहाँ पे ज़्यादा तो होती नहीं है, कुछ होती नहीं है वैसे तो, मेरी खुद नहीं हुई आज तक। आपके कॉलेज के शिकायत है कुछ हॉस्टल वगैरह के बारे में, मेस वगैरह के बारे में? नहीं, मेस इज नाइस, कैंटीन से अच्छा खाना तो मेस में ही है। अच्छा, दो महीने रुक जाओ प्लीज, समझ में आ जाएगा। सेम। और बाकी दिक्कत ये है कि एक तो मतलब ऐसे मन नहीं करता है, वैसे अभी बाहर जाने का, अंदर ही रहते टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा, मतलब सोचा है कि बाहर आके है। जैसे अभी जस्ट हम लोग लाइब्रेरी जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ बुक्स वगैरह इतनी सारी हैं, कंफ्यूजन हो जाता है क्या कौन सा लगा। पहला इंप्रेशन मतलब कैसा लगा? कॉलेज अच्छा था, लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी और हॉस्टल भी सही है। AC 9 से 5 होता है और आजकल सुबह 5:30 बजे उठा देते हैं। I'll be very honest with hostel reviews. JIIT is so non-transparent. Like they haven't even revealed girls' hostel, and we have only 2 bathing rooms and 2 washrooms for 16 kids. It's a quite a huge number for, you know, basic necessities. And yes, this is it. Okay. Mess food is, it can go as high as we can expect and as low as we cannot expect. नहीं मिलता है अच्छा, बट एक टाइप पर बोर हो जाता हूँ कि सेम चीज़ मिल रहा है ना बार बार, बोर हो जाओगे एक टाइप पर। तो ही है अभी अच्छा लगेगा। हाँ अभी तक तो सही है, इतना ठीक है, इतना भी नहीं है। हॉस्टल कैसा लग रहा है? हॉस्टल तो बढ़िया है, ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह तो सब है, लगता नहीं कोई 4 साल ऐसे रहने में दिक्कत आएगी। फीस JIIT का कुछ ज़्यादा लगती है कम लगती है? मतलब अभी जो चॉइसेस थी प्राइवेट कॉलेज में उसके हिसाब से तो ठीक है, यही फीस है मतलब ओवरऑल देखी जाए तो। ब्रांच कौन सी आपकी? मेरी कंप्यूटर साइंस है। 62 में? हाँ जी। आपकी? मेरी भी कंप्यूटर साइंस 62। आपको कैसा लगता है हॉस्टल लगा, मतलब हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल वैसे बढ़िया है, क्लीनिनेस सही है हॉस्टल में, सारी फैसिलिटी ठीक है। मैं भी CSE 62 का हूँ, हॉस्टल सही है और प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगता है, 2 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तब भी मुझे सही लगता है क्योंकि मेस का जो खाना है वो अगर आप कहीं और चले जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में तो वहाँ खाना खाने का मन नहीं करता। यहाँ ये तो होता है चलो ठीक है मैं से खाना खाने चलते हैं। दाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दाल तो सबसे सही बनती है। 2 महीने रुक जाओ। बुरवाई है, खाना आजकल सही मिल रहा है, आज भी बढ़िया था, पनीर था। कोई शिकायत वगैरह इस कॉलेज से? नहीं, बाकी सब तो नाइस है। AC संडे को सुबह से AC चला दिया करें बस। वन थिंग बट देयर इज हेल लॉट ऑफ मस्कीटोज ओवर हियर। ये भी मतलब सब कुछ बढ़िया है लेकिन बस यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत छोटा है, यहाँ पे सब अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब बॉयज गर्ल्स सब ये है। आप पर नहीं? बाकी और कैंपस इज ब्यूटीफुल, इतने से एरिया में भी इट्स वेरी वेरी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, फिर कोई क्वेरी नहीं है ना आपको? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रो। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।